अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं एक ऐसी रेसिपी जो इस सीजन के लिए बेस्ट है, तो आइए बनाते हैं। तो आप लोग इसे देखकर समझ ही गए होंगे कि हम क्या बनाने वाले हैं। तो हम बना रहे हैं आम पन्ना। मैंने ले ली हूँ यहाँ दो कैरी, ये तोता पैरी कैरी है, आपको जो कैरी लेना है आप वो ले सकते हैं। ये दो जंजीरे के पैकेट है, एक मुट्ठी पुदीना है, एक प्याली गुड़ है, और ये है गार्निशिंग के लिए क्रश कैरी। आज इस रेसिपी में मेरी फेवरेट गार्निशिंग करने के लिए कोथमीर यूज नहीं कर सकते, इसलिए हम कैरी से ही गार्निशिंग कर लेंगे। अमचूर पाउडर और ये है पिंक सॉल्ट। सबसे पहले हम ले लेंगे यहाँ कुकर और इसमें डालेंगे दोनों कैरी। अब हम इसमें डालेंगे पानी। हमने इसमें डाल दिया है 4 ग्लास पानी। अब हम इसे चढ़ा देंगे और 3 सीटी ले लेंगे। देखिए हमने कुकर गैस पर चढ़ा दिया है, हम इसे ऑन कर देंगे और इसमें ले लेंगे अब 3 सीटी। 3 सीटी हो चुकी है, अब हम इसे खोल के देख लेते हैं। देखिए हमारी कैरी अच्छी तरह से हो गई है और अब हम इसे निकाल लेते हैं। देखिए जब हमारी कैरी कुछ इस तरह से हो जाएगी तो हमें इसे निकालना है। अब हम इसका पल्प निकाल लेंगे। आप इसे किसी भी चीज से निकाल सकते हैं, चम्मच, अपनी हाथों की मदद से, छुरी से, जिससे आपको निकालना है आप इसे निकाल सकते हैं। देखिए स्पून की मदद से मैंने इसके पल्प को निकाल दिया, अब ये कुछ इस तरह दिख रहा है। अब इसे मिक्सी के जार में हम डाल के ग्राइंड करेंगे। अब हम अच्छी तरह से इसमें डाल देंगे, इसमें और सब चीजें मिला लेंगे। देखिए गुड़ है जिसे मैंने थोड़ा सा भिगो के रख दिया था, अब हम इसमें डाल देंगे। मैंने इतना डाली हूँ, आपको जितना मीठा लगता है आप उतना डालें, और थोड़े पुदीने के पत्ती। अभी हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे और थोड़ा सा ये आमचूर पाउडर, इसे ग्राइंड कर लेंगे। पेस्ट जैसा बन चुका है, अब हम इसमें थोड़ा सा आइस डालेंगे और फिर इसे ग्राइंड करेंगे। देखिए हमारा स्मूथ जूस बनके तैयार हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेंगे और मिला के इसे निकाल देंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा जलजीरा पाउडर डाल देंगे। और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। देखिए आजकल गर्मी का सीजन चल रहा है और बहुत ज्यादा बाहर गर्मी है जिसकी वजह से लू लग रही है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है और मतलब डायरिया हो रहा है, लूज मोशंस, उल्टी वगैरह सबको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है। तो ये पेट में ये जूस हमारे पेट में ठंडक, आप लोग इसे ज़रूर बनाइए और ख़ुद भी पिए और अपने घर वालों को भी पिलाइए, तो आप लोग लू से बचें। मेडिसिन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये बेनिफिट, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है अपने पेट के लिए, पेट में ठंडक देता है। और जो लोग कैरी के शौकीन हैं वो लोग इसे ज़रूर बना के पिए क्योंकि उनको बहुत अच्छा लगता है। आप अगर कैरी को इस तरह खाएंगे तो आपके गले में खराश होती है, दर्द होने लगेगा, लेकिन आप इस तरह से बना के पियेंगे तो ये आपको बेनिफिट ही देगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इससे। तो आप लोग इसे ज़रूर बनाइए, ज़रूर पिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। मैंने यहाँ ग्लास ले ली सर्विंग के लिए, उस पर लेमन लगा रही हूँ। अब उसे शुगर पाउडर में डिप करेंगे अच्छी तरह से ताकि इसके कॉर्नर्स पर शुगर अच्छी तरह से लग जाए। देखिए
देखिए अभी हम इसे गार्निशिंग करेंगे, इसमें थोड़ा सा आइस डालेंगे। अब हम ग्लास में डाल देते हैं ये आम पन्ना। आप भी इसे बनाइए, अपने घर वालों को पिलाइए और मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसे लगा। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई करें और आप भी पिए, अपने घर वालों को भी पिलाइए। आप लोगों को ये बहुत अच्छा। जूस को मैंने छन्नी से नहीं छानी हूँ, क्योंकि अगर छन्नी से छानूंगी तो इसमें जितना भी इसका फल है सब निकल जाएगा और सिर्फ पानी बच जाएगा, तो इसे हम नहीं छानेंगे और हम इसे ऐसे ही सर्व करके ऐसे ही पियेंगे। तो ऐसे पियेंगे तो आपके मतलब पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आती हो तो मेरे चैनल, आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।